कहते हैं इल्म हो तो एक दिन बादशाह की कुर्सी भी मिल ही जाती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इल्म होने के बावजूद भी आप किसी कुर्सी पे बैठना भूल जाएं। इसी तरह अपनी नौकरी की तलाश में निकले मोहम्मद इमरान ने अपनी जिंदगी को मायूसी से निकाल कर तरक्की की राह पे गामजन कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। ड्रीम था मेरा यूईटी में आना। मेरा यूईटी में एडमिशन हुआ 2009 में। मैं उस मकसद के लिए लाहौर आया था। उसके बाद 2019 में मुझे थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मुझे ना एमबीए करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, एमबीए शुरू किया मार्केटिंग में। मतलब कि मैं किसी कंपनी में 4 महीने स्टे कर रहा हूँ, किसी में 2 महीने स्टे कर रहा हूँ, मैं टिक नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने एमबीए करना शुरू किया, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, कुछ लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं जॉब करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मैंने कुछ अपना करना है। क्या करना है इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। तकरीबन 6 महीने 1 साल मैं सोचता रहा क्या क्या करना है। तो फाइनली, क्योंकि मैं खुद चाय हॉलिक हूँ, मैं बहुत चाय पीता हूँ, तो मेरे माइंड में एक आइडिया ये आया कि हाउ अबाउट कि मैं अगर दूध अपने गाँव से मंगवाऊँ और यहाँ पर लोगों को वैसी दूध पत्ती पिलाई जाए जो कि हम अपने गाँव में पीते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टॉल से शुरू हुआ काम, जहाँ पर 4 मेरे पास चेयर्स थी, आज मेरे पास 80 लोगों की सिटिंग की जगह है जो कि मेरी कम पड़ जाती है। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैंने तकरीबन 4-5 मंथ तक अपने घर में किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं चाय का कोई काम शुरू कर रहा हूँ। मेरे एक भाई को सिर्फ पता था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो ये ना समझे कि हमने तुम्हें पढ़ाया था, पढ़ाया लिखाया तो तुम्हें लाहौर भेजा, इसलिए थोड़ी भेजा कि तुम वहाँ पे चाय बेचो, क्योंकि चाय बेचना एक बहुत छोटा सा काम समझा जाता है। तो लोगों ने मुझे बहुत कहा, मुझे लाहौर में लोगों ने बहुत कहा, मेरे पास सोशल मीडिया पर लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, बुरा भला कहा। लोग कहते थे कि ये मैट्रिक फेल है, ये MBA लग ही नहीं रहा। मतलब मुझे बहुत लोगों ने डीग्रेड किया, लेकिन मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने वो सारे मैसेजेस लोगों के अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए हैं। और मैंने सोचा हुआ है कि एक वक्त आएगा जब मैं एक बहुत बड़ा कैफ़े बना लूँगा, तो मैं एक वहाँ पे वॉल बनाऊँगा जिसका नाम होगा वॉल ऑफ एप्रिसिएशन। मैं वो सारे नेगेटिव कॉमेंट्स जो लोगों ने मुझे दिए हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए वहाँ पर लगाऊँगा, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि चाय का काम कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर इसी तरह देखें, मैकडोनल्ड जब शुरू हुआ था, तो अगर उस वक्त वहाँ वो लोग ऐसा सोचते कि ये छोटा सा काम है, मैं बर्गर बेचूंगा, तो आज मैकडोनल्ड दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन ना होता। कि MBA चाय वाला टेल्स अ स्टोरी। मैं जितना साल में अर्न करता था ना जॉब में, मैं एक मंथ में यहाँ पे अर्न कर लेता हूँ। मैंने अगस्त में शुरू किया था। गर्मी में जब मैं वहाँ से गाड़ी से उतरता था, स्टॉल लगाता था, बर्तन धोता था, वो जो ड्रेस मैंने पहना हुआ था वो सारा पसीने से भर जाता था, ठीक है, शर्ट पैंट सारी पसीने से भर जाती थी। बस मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप डिग्रेड करते हैं, मैं तो एक मोटिवेटेड बंदा था, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपकी सोसाइटी में आपके आसपास कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई एक छोटा सा काम शुरू करी जो दिखने में बड़ा छोटा सा लगता है, उसको काइंडली डीग्रेड ना करें। सोशल मीडिया पे भी और वैसे फिजिकल भी जाके डीग्रेड ना करें। लोग डीग्रेड हो जाते हैं और फिर अपना काम छोड़ देते हैं।